तो मैंने एक सीक्रेट ऐप को ओपन किया है और उस ऐप के अंदर कुछ सेटिंग्स को अप्लाई कर दिया है और रिजल्ट आपके सामने है। मेरी गन से निकलने वाली पहली और आखिरी गोली सीधी एनिमी के हेड पर कनेक्ट होती है। काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप जो भी ऐप हमें रिकमेंड करते हैं वो ऐप वर्क नहीं करता है, आप फेक ऐप को बताते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि ये वाला ऐप वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको ट्रेनिंग राउंड में लगातार 5 हेडशॉट लगा करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि पहला हेडशॉट लग चुका है, दूसरा हेडशॉट भी कनेक्ट हो चुका है, तीसरी गोली भी सीधी एनिमी के हेड पर कनेक्ट, चौथी गोली एनिमी को लग चुकी है एंड आखिरी गोली भी एनिमी के हेड पर कनेक्ट हो चुकी है। अब आप लोगों को भरोसा हो गया होगा कि मैं जो भी ऐप आप लोगों को बताता हूं वो 100% वर्क करता है। मैं अपने चैनल पर कोई भी फेक ऐप नहीं बताता हूं, ना ही कोई फेक ट्रिक बताता हूं। जो भी ट्रिक और ऐप बताता हूं वो 100% वर्क करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आप लोग भी अपने हेडशॉट को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम आप लोगों को बताते हैं कि एमिंग को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। एमिंग क्या कहलाती है? तो देखिए, जब भी आप लोग किसी भी एनिमी को हेडशॉट कनेक्ट करते हैं तो आप लोग पहले अपने एम को एनिमी के बॉडी के पास लेकर के जाते हैं और फायर बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे गोलियां चलती हैं। अब जहां पर आपका एम होगा वहीं पर ही गोलियां चलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने एम को एनिमी की बॉडी पर रखेंगे तो गोलियां हेड पर लगेंगी, ऐसा नहीं है। आप अपने एम को जहां पर रखेंगे वहीं पर जाकर के गोलियां लगती हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि अपने एम को एनिमी के हेड पर किस तरीके से लेकर के जाना है। तो अपने एम को एनिमी के हेड पर ले जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दो तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहला वाइट एम और दूसरा रेड एम। वाइट एम पर प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को एनिमी के सामने जाना है, अपने एम को एनिमी के हेड की लेफ्ट साइड में रखना है और आपका जो एम है वो वाइट होना चाहिए, जिस तरीके से मेरा है। उसके बाद आपको अपने फायर बटन को पहले नीचे खींचना है और एकदम से ऊपर कर देना है। लेकिन जब आपका फायर बटन ऊपर जा रहा होगा ना, उस टाइम पर आपको थोड़ा सा कर्व करना है फायर बटन को और आपका आसानी से वन टैप कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को जब आप बहुत ज्यादा फास्ट करने लग जाएंगे ना, तो इसको हम वन टैप हेडशॉट ट्रिक बोलते हैं, जो कि वाइट एम पर वर्क करती है। वाइट एम पर जो ट्रिक वर्क करती है वो हमेशा शॉर्ट रेंज के लिए होती है, लेकिन अगर आप एनिमी से मिड रेंज पर हैं या फिर लॉन्ग रेंज पर हैं, उस टाइम पर आप लोगों को रेड एम पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं एनिमी से थोड़ा दूर आ गया हूं और अब आप लोग देखिए, मैंने अपने एम को एनिमी की बॉडी पर थोड़ा सा ऊपर रखा है, मतलब जो गर्दन होती है ना वहां पर रखा है, और मैंने अपने फायर बटन को एकदम से ऊपर ट्रैक किया और आप देख सकते हैं कि मेरी गन से निकलने वाली गोली फिर से एनिमी के हेड पर कनेक्ट हो गई है। रेड एम पर जब भी आप लोग हेडशॉट कनेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि आपका एम ज्यादा टाइम तक एनिमी की बॉडी पर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग 1 सेकंड से ज्यादा अपने एम को एनिमी की बॉडी पर रखते हैं तो वहीं पर ही आपका एम लॉक हो जाएगा, आप कितना भी ऊपर ट्रैक करें आपका एम ऊपर नहीं जाएगा। इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा रहा हूं। तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि एमिंग किस तरीके से इंप्रूव करनी है। अब आप लोग वाइट एम और रेड एम पर तो हेडशॉट आसानी से कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास में स्कोप वाली गन है तो आप लोग रेड नंबर में किस तरीके से एनिमी के हेड पर गोलियां कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, अब मेरे हाथ में UMP गन है और जैसे ही एनिमी मुझे दिखा, मैंने अपने स्कोप वाले बटन पर 2 बार क्लिक किया जल्दी जल्दी, आप लोग देखिए, और मेरा एम जो है ना वो एनिमी के बॉडी पर लॉक हो गया है। उसके बाद आपको अपने फायर बटन को ऊपर खींचना है, जैसे ही आप लोग ऊपर ड्रैग करेंगे ना, उसके तुरंत बाद आप लोगों को फिर से स्कोप वाले बटन पर क्लिक कर देना है और रिजल्ट आपके सामने होंगे, यानी कि आपकी गन से निकलने वाली गोली सीधी एनिमी के हेड पर कनेक्ट होगी। मतलब आपको लगेगा कि ये वाली जो ट्रिक है वो एम बॉट की तरह वर्क कर रही है। आप लोग इस वाली ट्रिक को एक बार जरूर अप्लाई करके देखना। अगर आपको ये वाली ट्रिक समझ में नहीं आई है ना, तो आप लोग इस वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखिए, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब आप लोगों ने अपने एमिंग को तो इम्प्रूव कर लिया है और दोनों ट्रिक को भी इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन अभी भी आपके हेडशॉट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ एक सीक्रेट ऐप के बारे में, जिसके बारे में मैंने ऐप की स्टार्टिंग में बात करी थी। उस ऐप का नाम है GFX टूल फॉर फ्री फायर मैक्स। इसको आप लोगों को ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है GFX टूल फॉर FF, मतलब फ्री फायर, और आपके सामने वाला ऐप आ जाएगा। तो आपको इस लोगो वाले ऐप को ओपन करना है और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जब तक ये वाला ऐप डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको इस ऐप के बारे में बता देता हूँ। इस ऐप को डाउनलोड करने से ना तो आप लोगों की डिवाइस बैन होगी और ना ही आप लोगों की फ्री फायर की ID सस्पेंड होगी। मैं आप लोगों को कोई भी हैक नहीं बता रहा हूं कि जिससे कि आपके सीधे ही एनिमी के हेड पर गोलियां लगेंगी, उससे तो आपकी डिवाइस बैन हो जाएगी। मैं आप लोगों को केवल ऐसे ऐप बताता हूं जो आपकी मोबाइल की सेंसिटिविटी सेटिंग को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों का जो ट्रैक है वो स्मूथ होता है। बस मैं कोई भी हैक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो ये वाला ऐप डाउनलोड हो चुका है और फाइनली मैंने इस ऐप को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऊपर मिलेगा आपको सिलेक्ट वर्जन, इसको आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स पर ही रहने देना है। डिटेल मोड को आप लोगों को इनेबल कर देना है और उसके नीचे लिखा होगा गेम वर्जन, इसको आपको फुल पर सेट कर देना है और रिमेम्बर वाले ऑप्शन
बटन पर राइट क्लिक कर देना है और अप्रूव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो अगली सेटिंग आएगी जो कि होगी ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी आप लोगों को काफी सारी सेटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। तो जैसे ही आप लोग अप्रूव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू सेटिंग आएगी जो कि स्टाइल्स वाली होगी। तो स्टाइल वाली सेटिंग पर क्लिक करके आपको सॉफ्ट पर सेट कर देना है। उसके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को आपको लो कर देना है। शैडोज को आप लोगों को लो पर सेट कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड शैडो फिर से सेटिंग मिलेगी, उसको आपको एक्सट्रीम पर सेट कर देना है। उसके बाद मिलेगा आप लोगों को कलरफुल फॉर्मेट, उसको आपको 64 बिट पर सेट कर देना है। उसके बाद मिलेगा फॉलिंग एलओडी डिस्टेंस, उसको हाई पर सेट कर दीजिए एंड रिमेम्बर वाले ऑप्शन पर राइट क्लिक कीजिए एंड अप्रूव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो अगली सेटिंग आएगी वो आएगी ग्राफिक्स सेटिंग की। ग्राफिक्स सेटिंग में आप लोगों को जाना है और तो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ग्राफिक, ग्राफिक पर क्लिक कीजिए, उसको सेट कर दीजिए स्मूथ HD पर। रेजुलेशन मिलेगी दूसरी सेटिंग, उस पर क्लिक कीजिए 1920x1080 पर सेट कर दीजिए, यानी कि जो 1920x1080 लिखा हुआ है ना उस पर आप लोगों को सेट कर देना है। उसके बाद की सेटिंग है एंटी एलिजिंग, उसको आपको 2x पर सेट कर देना है। FPS पर आप लोगों को जाना है और वहां पर कर देना है 90 FPS। उसके बाद मिलेगा ग्राफिक API, उसको आप लोगों को डिफॉल्ट पर सेट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को फिर से रिमेम्बर वाले सेटिंग पर राइट क्लिक करना है एंड अप्रूव करना है। तीसरी सेटिंग मिलेगी ऑप्टिमाइजेशन, तो आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन में जाना है। ऑप्टिमाइजेशन में आपको पहली सेटिंग मिलेगी रेंडरिंग क्वालिटी को लो कर दीजिए, GPU ऑप्टिमाइजेशन को इनेबल कर दीजिए और उसके बाद मिलेगी आपको गेम वर्जन, इसको आप लोगों को फुल पर सेट कर देना है एंड फिर से आप लोगों को अप्रूव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को बैक कर देना है और बैक करने के बाद आपके सामने एक सेंसिटिविटी सेटिंग का ऑप्शन आएगा जहां पर एक गेम का आइकन बना होगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। वहां पर आप लोगों को जनरल की सेटिंग मिलेगी, AWM स्कोप की सेटिंग मिलेगी, 2x स्कोप की सेटिंग मिलेगी, 4x स्कोप की सेटिंग मिलेगी, रेड डॉट की सेटिंग मिलेगी, मतलब इस तरह की आप लोगों को काफी सारी सेटिंग्स मिलेगी। तो सभी सेटिंग्स को आपको 100 पर सेट करते जाना है एक एक करके जिस तरीके से मैंने किया है एंड आप लोगों को अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप लोगों का ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट हो चुका है। ऐप के अंदर की सभी सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद मोबाइल के अंदर की सीक्रेट सेटिंग को भी अप्लाई करना होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाना है और वहां पर आपको डेवलपर ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। डेवलपर ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर आपको सबसे पहली सेटिंग मिलेगी इनेबल GPU डीबग लेयर्स, इसको आप लोगों को ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से आप लोगों का जो GPU है वो बहुत ही फास्ट काम करने लगेगा और फ्री फायर हैंग नहीं होगा और आपकी स्क्रीन बहुत ही ज्यादा स्मूथ वर्क करेगी। उसके बाद जो दूसरी सेटिंग है वो है ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंसेस, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसको ऑन कर देना है और नीचे आप लोगों को फ्री फायर को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आप लोगों को उसको सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर पर सेट कर देना है। इससे आपका जो सिस्टम होगा वो फ्री फायर के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देगा पूरे प्रोसेसर को और आपकी स्क्रीन भी बहुत स्मूथ काम करेगी, आपका गेम हैंग नहीं होगा और आपको ड्रैग करने में भी बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद जो तीसरी सेटिंग है वो है शो रिफ्रेश रेट, इसको आप लोगों को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट कितना है, जैसे कि मेरा रिफ्रेश रेट 120 आ रहा है, आपका जो भी आ रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपका रिफ्रेश रेट सही है कि नहीं है। उसके बाद आप लोगों को इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है। इसका मतलब है कि आपको रिफ्रेश रेट को चेक करने के लिए पहले ऑप्शन को ऑन करना है और कितना रिफ्रेश रेट है उतना देख करके उसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को जो चौथी सेटिंग मिलेगी वो मिलेगी विंडो एनिमेशन स्केल, इसको आपको ऑफ कर देना है। आप लोगों को ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, इसको भी ऑफ कर देना है। उसके बाद एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इसको भी ऑफ कर देना है। इन सेटिंग्स को ऑफ तभी करना है जब आपके मोबाइल की रैम 2GB या फिर 3GB हो। अगर आपके फोन की रैम 4GB है तो आप लोगों को 0.5 पर सभी सेटिंग्स को सेट कर देना है जिस तरीके से मैंने किया है, क्योंकि मेरे फोन की जो रैम है वो 8GB है इसलिए मैं इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके फोन की रैम 2GB 3GB है तो आप लोग इन सभी सेटिंग्स को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद जो आप लोगों को पांचवी सेटिंग देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी स्मॉल विड्थ। अब स्मॉल विड्थ किस तरीके से वर्क करती है, स्मॉल विड्थ का मतलब होता है DPI सेटिंग, यानी कि डॉट पर इंच। इस सेटिंग में चेंजेस करने के बाद आपके जो स्क्रीन है उसका रिफ्रेश रेट इंक्रीज हो जाता है, उसका टच रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है और उसकी जो डॉट पर इंच है ना वो स्क्रीन की जो रेजुलेशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो जो नॉर्मल डिवाइस के लिए DPI सेटिंग होती है वो होती है 450 DPI। लेकिन DPI सेटिंग को किस तरीके से फाइंड करना है एक मैंने सीक्रेट ऐप को बताया है, उस ऐप को देखने के लिए आप लोग हमारी इस वाली वीडियो पर क्लिक कर दीजिए जो कि आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा। उसके बाद जो आपको छठवीं सेटिंग देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 4xMSAA, इसको आप लोगों को ऑन कर देना है। उसके बाद जो सातवीं सेटिंग है वो है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और जो भी आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट सेट होगी उससे हटा करके आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर सेट कर देना है। इससे आपकी हाई पिंग नहीं जाएगी, आपका जो डिवाइस है उसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो पूरी तरीके से आपका फ्री फायर पर ही रहेगा, यानी कि फ्री फायर के अलावा दूसरे ऐप पर आपका जो प्रोसेसर है वो वर्क नहीं।
नहीं करेगा, तो आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट कर देना है। उसके बाद आपकी डेवलपर ऑप्शन की सभी सेटिंग्स को अप्लाई कर दिया है आप लोगों ने, उसके बाद आपको सभी सेटिंग्स को हटाना है। उसके बाद आपको फिर से सेटिंग्स के अंदर जाना है और वहां पर सर्च करना है पॉइंटर स्पीड। पॉइंटर स्पीड में जाकर के पॉइंटर स्पीड को पूरा 100 पर सेट कर दीजिए एंड ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आप लोगों ने पॉइंटर स्पीड को बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लिया है और अपने मोबाइल की सेटिंग को भी सेम अप्लाई करना है और ऐप की सेटिंग को भी सेम तरीके से अप्लाई करना है और रिजल्ट आपके सामने आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरी गन से निकलने वाली गोली सीधी एनिमी के हेड पर कनेक्ट हो रही है। अगर आपने इस वाली वीडियो की कोई भी एक सेटिंग समझ में नहीं आई है या फिर कोई भी एक सेटिंग को मिस कर दिया है, तो एक बार फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो और इस वीडियो को देखने के बाद ही आपके हेड शॉट बहुत ही तगड़े इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने वीडियो बहुत ही लंबा बनाया आज का क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग इस तरीके के और भी एप्स के बारे में जानना चाहते हैं, मोबाइल सेटिंग्स को सही करना चाहते हैं, तो इन दो वीडियोस में से किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।